वो कलीसिया में एक अगुआ है अपने काम के अच्छे नतीजे पाकर वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगती है वो मनमानी करती है और दूसरों से सलाह नहीं लेती इससे कलीसिया के कार्य में बाधा और रुकावट पैदा होती है बर्खास्त होने के बाद वो आत्मचिंतन शुरू करती है अपनी गलतियों और नाकामियों के जरिए वो खुद के बारे में कौन सी समझ हासिल करती है 2012 के अंत में मैंने कलिसिया अगवा के तौर पर सेवा शुरू की तब कलिसिया की सभी परियोजनाएं बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही थीं और सिर्फ कुछ सदस्य ही सही काम कर रहे थे यह जानकर कि मेरी आस्था कम समय की थी और कार्यकर्ता चुनने की मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी मैं प्रार्थना में अपनी मुश्किलें बयां करती और संगत सिद्धांत खोजती कुछ समझ न आने पर मैं सहकर्मियों के साथ खोजती और संगति करती धीरे धीरे लोगों और हालात की मेरी परख सुधरने लगी मैं लोगों को उनकी खूबियों के आधार पर कर्तव्य सौंपने में सक्षम हो गई हमें कलीसिया के कार्य में तरक्की दिखाई देने लगी एक बार कार्य चर्चा में मैंने बहन लीजी को समूह अगवा के लिए विकसित करना चाहा लेकिन बहुत से सहकर्मी मेरे नजरिए से सहमत नहीं थे और दलील दी थी कि परिवार से बंधी लीजी कर्तव्य की जिम्मेदारी नहीं लेती थी वह नए सदस्यों का सिंचन भी समय से नहीं करती थी और संगति के बाद भी उसमें सुधार नहीं हुआ था कर्तव्य के प्रति उसके रवैये के चलते वह समूह अगवा के लायक नहीं थी मैंने मन ही मन सोचा लीजी आस्था में नहीं है परिवार के कारण उसकी लाचारी बस एक अस्थायी कमजोरी है सिर्फ इस आधार पर हमें उसे विकसित होने लायक ना मानकर सीमित नहीं करना चाहिए हमें प्रेम से उसका साथ देकर मदद करनी चाहिए इसके बाद मैं अक्सर लीजी का साथ देने लगी उससे परमेश्वर के प्रति कर्तव्य निभाने पर संगति करने लगी धीरे धीरे लीजी की हालत सुधरने लगी अब वह नियमित रूप से अपना कर्तव्य निभाने लगी एक काबिल भाई भी था जो सत्य पर स्पष्ट और सार गर्भित संगति करता था और कर्तव्य निभाने में जिम्मेदार था तो मैंने सुझाया कि उसे सिंचन कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए लेकिन मेरी सहयोगी बहन को संदेह था उसे लगा कि उसका घमंडी स्वभाव दूसरों को परेशान करेगा इसलिए वह इस लायक नहीं था एक सिद्धांत में कहा गया था जो स्वभाव से दम्भी होते हैं लेकिन सत्य को स्वीकार कर सकते हैं और साथ ही अच्छी योग्यता और प्रतिभा वाले होते हैं वे पदोन्नत और विकसित किए जाने चाहिए उन्हें कभी भी बहिष्कृत नहीं करना चाहिए भाई का स्वभाव घमंडी था मगर उसने सत्य स्वीकार किया जब दूसरे उसकी समस्याएं बताते वह आलोचना स्वीकार कर बदलाव करता तो वह तरक्की पाने के सिद्धांतों को पूरा करता था मैंने इस सिद्धांत का संदर्भ देकर अपना तर्क समझाया बहुत से सहकर्मी मेरी बातें सुनने के बाद राजी हो गए सिंचन कार्य का प्रभारी बनाए जाने के बाद भाई ने कर्तव्य में बढ़िया नतीजे दिखाए और काम में बहुत सक्षम साबित हुआ जल्दी ही उसे तरक्की दी गई इसके बाद में यह सोचकर खुद से बहुत संतुष्ट थी मैं आस्था में नहीं हो सकती हूं मगर मुझमें काबिलियत है और मुझमें लोगों और हालात की बेहतर परख है अगर मुझमें परख ना होती तो नई प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें कौन विकसित करता हर कलिसिया परियोजना के लिए मैंने समझदारी से सदस्यों को काम सौंपे थे अयोग्य सदस्यों को बदला था जिससे कलिसिया का कार्य आगे बढ़ने लगा समस्याएं होने पर सारे भाई बहन मेरे पास आते मेरी राय पूछते कुछ ने तो मेरी प्रशंसा भी की कहा पिछले कलिसिया अगवा आस्था में अनुभवी थे मगर वे कलिसिया कार्य ठीक से नहीं करवा पाते थे आपकी आस्था पुरानी नहीं है लेकिन आपके आते ही काम तेजी से आगे बढ़ने लगा है आप जरूर अच्छी काबिलियत वाली प्रतिभाशाली अगवा होंगी यह सुनकर मैं और ज्यादा खुश हो गई सोचने लगी कि मैं कलेसिया की एक सच्ची दुर्लभ प्रतिभा थी इसके बाद मैं दूसरे कलिसियाओं के कार्य की अध्यक्षता करने लगी कभी कभी चयन करते समय उच्च अगुआ मुझसे सलाह मांगते थे मुझे यकीन हो गया कि मैं अगुआ बनने के लायक हूँ मैं प्रतिभाओं के चयन में अच्छी थी और मसले सुलझा सकती थी मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया इसके बाद मुझे जब भी लगता कि मेरा आकलन सही था तो मैं दूसरे सहकर्मियों से सलाह लिए बिना खुद ही फैसले कर लेती लगता कि मुझमें उनसे बेहतर समझ थी, मेरी दृष्टि गहरी थी उनसे चर्चा होती तो भी सब मेरी योजना पर चलते तो फिर चर्चा करना बेकार था जब सहकर्मी मुझे सुझाव देते तो मुझे लगता कि उनके सुझाव अच्छे नहीं थे सीधे उन्हें ठुकरा कर मैं अपनी ही योजना पर काम करती एक बार कलीसिया को हमारी किताबें रखने के लिए कोई सदस्य चाहिए था तो मैंने नए सदस्य झेंगी का नाम सुझाया क्योंकि मुझे पता था कि उसकी मानवता अच्छी थी एक सहकर्मी ने मुझे याद दिलाया जेंगी आस्था में नया है और उसकी पत्नी गैर विश्वासी है अगर एकाएक कोई स्थिति पैदा हुई तो पता नहीं वो किताबों की रक्षा कर पाएगा या नहीं तब मुझे लगा कि मेरा सुझाव ठुकरा दिया गया था मुझे थोड़ी बेचैनी हुई मैंने सोचा मैं अगुआ हूं क्या मैं एक किताबें रखने वाला सदस्य भी नहीं ढूंढ सकती आखिर हम कोई अगवा तो चुन नहीं रहे थे तो फिर इतनी कड़ाई क्यों मैंने सहकर्मी की सलाह नहीं मानी और झेंगी को किताबें रखने का काम सौंप दिया एक बहन ने यह कहकर मेरा निपटान किया किस सिद्धांत के आधार पर आपने झेंगी को काम सौंपा हमें किताबें रखने के लिए एक सुरक्षित घर चाहिए भाई झेंगी आस्था में नया है और उसकी पत्नी उसकी आस्था की विरोध ही है अगर कुछ हो गया तो क्या यह कलीसिया कार्य के लिए हानिकारक नहीं होगा मैं सहमत नहीं हुई सोचा सिद्धांत के आधार पर चेंगी शायद इस लायक ना हो लेकिन उसमें अच्छी मानवता है और वह यह काम करने को तैयार है क्या आप लोग कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हैं क्या यह इतना गंभीर मामला है तो मैंने कहा मैं उससे संगति कर चुकी हूं आपको कोई और योग्य व्यक्ति मिल जाए तो हम आपका चयन मान लेंगे यह देखकर कि मैं उसके विचार को मान ही नहीं रही थी उसने और कुछ नहीं कहा इसके बाद जल्दी ही झेंगी का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया पत्नी ने सारी किताबें बाहर फेंक दी कुछ किताबों को नुकसान पहुंचा हमें देर रात तक जगकर किताबें दूसरी जगह पहुंचानी पड़ी इसके बाद मेरे सहकर्मियों ने सिद्धांत के बजाय अपने विश्वास पर मनमानी करने से किताबों को हुए नुकसान पर मेरा निपटान किया उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए मैं बेमन से राजी हो गई मगर मैंने सोचा यह बस एक गलती थी मैंने कलिसिया की तब की असली हालत देखकर उसे एक काम सौंपा था किसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? इसके बाद भी मैं अपने कर्तव्य में मनमानी करती रही काम की चर्चा करते समय मैं सहकर्मियों की सलाह सीधे ठुकरा देती और चीजें अपनी तरह से संभालती थी धीरे धीरे मेरे सहकर्मी मेरे आगे मजबूर होने लगे जो फैसले मैं कर लेती उन पर वो राय देने की हिम्मत नहीं करते थे एक बार मैं एक अगुआ झांग फैंग को बर्खास्त करने दूसरी कलीसिया गई उसे बर्खास्त करने से पहले मुझे उसके पूरे कामकाज का विश्लेषण कर उस पर संगति करनी चाहिए थी और तब बर्खास्त करना चाहिए था फिर मैंने सोचा कि पहले जब मैंने उसके कामकाज पर संगति की थी तो उसने मेरी बातें नहीं मानी थी और झगड़ा भी किया था इसलिए मुझे लगा कि उससे संगति करना बेकार था मुझे बस सीधे उसे बर्खास्त कर देना चाहिए बाद में मैंने झांगफैन और कुछ दूसरे उपयाजकों की बैठक बुलाई और संक्षेप में बताया कि उसे क्यों बर्खास्त करना चाहिए मगर झांगफैन अड़ी रही मुझसे बहस कर यह सवाल करती रही मुझे साफ तौर पर बताएं आपने मुझे किस आधार पर बर्खास्त किया मैंने मन ही मन सोचा मैं पहले ही कामकाज की समस्याएं तुम्हें बता चुकी हूं मगर तुम मेरी ही कमियां निकाल रही हो तुम खुद को बिल्कुल नहीं जानती तुमसे संगति करना बेकार है तो मैंने उसकी अनदेखी की बहन वांगचैन ने मुझे यह कहकर याद दिलाया झान फैंग मीन मेक निकालती है आपको उसे साफ तौर पर बर्खास्तगी का कारण बता देना चाहिए यह जानकर भी कि वांगच चैन सही थी मैंने सोचा कि झांगफैन कली से अगवा होने के नाते इन सिद्धांतों को बखूबी जानती थी इसलिए ही समय की बर्बादी थी इसलिए मैंने बस अगवा का कार्य कैसे संभाले इस बारे में परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा मगर पढ़ते समय मैंने दोषी महसूस किया मैं ईश वचन से उसे दबा रही थी समस्या नहीं सुलझा रही थी यह सही नहीं था मैंने सोचा अगर ये नहीं पढ़ा तो मैं उसे काबू में नहीं रख पाऊंगी अंश पूरा हो जाने पर कमरे में निस्तब्धता थी झांग फैन गुस्से से उबलते हुए चुपचाप बैठी हुई थी मैंने सोचा कि मामला खत्म हो गया था लेकिन हैरानी हुई जब झांग फैन ने कहा कुछ अगुआ और कार्यकर्ता सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे जिससे दूसरे अगुआ और कार्यकर्ता बेबस महसूस कर कलिसिया कार्य को बाधित कर रहे थे मुझे थोड़ा सा डर लगा यह सब मेरी मनमानी और सिद्धांतों पर ना चलने का नतीजा था लेकिन मैंने मामले पर गंभीरता से सोचे विचारे बिना मान लिया कि यह गलत था बाद में एक और अगुआ को बर्खास्त करते समय मैंने फिर से भाई बहनों को बर्खास्तगी के निश्चित कारण नहीं बताए कुछ भाई बहन इस अगुआ को जानते समझते नहीं थे वे अक्सर बहस करते कि बर्खास्तगी में मैंने सिद्धांतों का पालन नहीं किया था इससे कलीसिया में एक अराजक स्थिति पैदा हो गई इस स्थिति के बारे में जानकर एक बहन ने मुझे याद दिलाया बेहतर होगा कि आप तुरंत जाकर उनसे संगति करें वरना कलिसिया में स्थिति और भी ज्यादा अराजक हो जाएगी मैं यह सोचकर उससे सहमत नहीं हुई झूठे अगुवाओं को बर्खास्त किया जाना चाहिए मैं किसी को दंडित नहीं कर रही थी तो वे लोग बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं सिद्धांत के अनुसार काम न करने और खुद को ना जानने के कारण धीरे धीरे मुझे अपना कर्तव्य बेहद भारी लगने लगा मुझे परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था और कार्य संभालते समय मैं असमंजस में पड़ जाती थी दैनिक प्रार्थना में मुझे समझ नहीं आता कि परमेश्वर से क्या कहूँ मेरी कलीसिया के कामकाज के अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे थे मुझे समझ आने लगा कि शायद मैं अब यह कर्तव्य नहीं संभाल सकती जल्द ही कुछ भाई बहनों ने मेरी शिकायत कर दी मुझ पर लापरवाही से काम करने और बिल्कुल भी सत्य स्वीकार न करने का आरोप लगाया एक उच्च अगुआ ने मुझे उजागर कर मेरा निपटान किया एक कलीसिया अगुवा के रूप में लोगों के चयन और बर्खास्तगी पर आपने सहकर्मियों से सलाह नहीं ली सिद्धांत नहीं खोजे बल्कि अपनी ही योजना पर चलकर मनमानी की भाई बहनों के याद दिलाने पर भी आप झुकी नहीं आप घमंडी और आत्मतुष्ट हैं नाकाम होने पर जब आपको उजागर किया गया तो भी आपने आत्मचिंतन नहीं किया आपके इस मनमाने बर्ताव से कलिसिया जीवन अराजकता में डूब गया और भाई बहनों के जीवन को नुकसान पहुंचा तो अब आप अगवा के रूप में सेवा करने लायक नहीं रही आपकी नियुक्ति से लाभ की अपेक्षा हानि ज्यादा है अगुआ ने जिस तरह मेरा निपटान किया था उससे मैं बहुत दुखी हुई और मैं फूट फूट कर रोने लगी मैंने खुद से पूछा मैंने कलीसिया कार्य में इतनी तबाही कैसे मचाई ना सिर्फ मैंने एक अगुआ की तरह अपना कर्तव्य नहीं निभाया था कार्य भी बाधित किया था मैं बस कहीं जाकर छिप जाना चाहती थी घर लौटते समय मैं सदमे में थी मैंने सोचा कि कर्तव्य में मनमानी करने लापरवाह होने कलिसियाई कार्य बाधित करने के कारण परमेश्वर मुझसे जरूर घृणा करेगा क्या परमेश्वर मुझसे ऐसे इंसान को बचाएगा जितना सोचा उतना ही बदतर लगा मुझे पता ही नहीं चला मैं घर कैसे पहुंची बिस्तर पर घुटनों पर बैठ मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की हे hey, परमेश्वर मुझे नहीं पता मैं इस मुकाम पर कैसे पहुंची मुझे असली आत्मबोध नहीं है हे hey, परमेश्वर मैं जानती हूं कि बर्खास्त होने पर कुछ सबक सीखने होते हैं मगर मैं बहुत सुन्न हूं मुझे प्रबुद्ध करो मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं खुद को जान सकूं। अपनी भक्ति सभा में मुझे परमेश्वर के वचनों का एक भजन याद आया जो मैं अक्सर गाती थी तुम लोगों को जो भी प्राप्त होता है वह ताड़ना न्याय और निर्दय मार है लेकिन यह जान लो इस निर्मम मार में थोड़ा सा भी दंड नहीं है मेरे वचन कितने भी कठोर हों तुम लोगों पर जो पड़ता है वे कुछ वचन ही हैं जो तुम लोगों को अत्यंत निर्दय प्रतीत हो सकते हैं और मैं कितना भी क्रोधित क्यों न हूँ तुम लोगों पर जो पड़ता है वो फिर भी कुछ शिक्षाप्रद वचन ही है और मेरा आशय तुम लोगों को नुकसान पहुँचाना या तुम लोगों को मार डालना नहीं है क्या यह सब तथ्य नहीं है धार्मिक न्याय मनुष्य को शुद्ध करने के उद्देश्य से लाया जाता है और निर्मम शुद्धिकरण उन्हें निर्मल बनाने के लिए किया जाता है कठोर वचन या ताड़ना दोनों शुद्ध करने के लिए किए जाते हैं और वे उद्धार के लिए हैं ऐसी ताड़ना और न्याय का सामना होने पर तुम लोगों को क्या कहना है क्या तुम लोगों ने शुरू से अंत तक उद्धार का आनंद नहीं लिया है तुम लोगों ने देहधारी परमेश्वर को देखा है और उसकी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि का एहसास किया है इसके अलावा तुमने बार बार मार और अनुशासन का अनुभव किया है लेकिन क्या तुम लोगों को सर्वोच्च अनुग्रह भी प्राप्त नहीं हुआ है परमेश्वर के वचनों ने मुझे हिला दिया सही कहा परमेश्वर का का अंत के दिनों का कार्य न्याय और ताड़ना ताड़ना के लिए है। ताड़ना, अनुशासन निपटान या उजागर करना हो वह यह सब मानव जाति को बचाने के लिए करता है बर्खास्त होने के बाद मैंने बहुत बुरा महसूस किया होता लेकिन यह आत्मचिंतन कर खुद को जानने का बहुत बढ़िया मौका था यह परमेश्वर का प्रेम और उद्धार था परमेश्वर के इरादे गलत नहीं थे इसका एहसास होने पर मुझे थोड़ी शांति मिली मैं बस सत्य खोजना चाहती थी खुद को जानना चाहती थी प्रायश्चित करना चाहती थी मनमानी और लापरवाही दिखाने पर अगुआ द्वारा मेरा निपटान किए जाने के बारे में सोचकर मैंने परमेश्वर के वचनों के संगत अंश खोजे जो कहते हैं कुछ लोग बिना किसी से बात किए या बिना किसी को बताए चीजें अकेले करना पसंद करते हैं वे बस उन्हें वैसे ही करते हैं जैसा वे करना चाहते हैं चाहे दूसरे उन्हें कैसे भी देखें वे सोचते हैं मैं अगुआ हूं और तुम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हो इसलिए तुम लोगों को मैं जो करता हूं उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करो यह ऐसे ही होना चाहिए जब वे कार्य करते हैं तो दूसरों को सूचित नहीं करते उनके कार्यों में पारदर्शिता नहीं होती वे हमेशा निजी तौर पर कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं और गुप्त रूप से कार्य करते हैं बड़े लाल अजगर की तरह ही जो सत्ता पर अपना एक पक्षीय एकाधिकार बनाए रखता है वे हमेशा दूसरों को धोखा देकर नियंत्रित करना चाहते हैं जिन्हें वे महत्वहीन और बेकार समझते हैं वे हमेशा दूसरों से चर्चा या संवाद किए बिना मामलों में अपनी ही चलाना चाहते हैं और वे कभी भी दूसरे लोगों की राय नहीं लेते तुम इस दृष्टिकोण के बारे में क्या सोचते हो क्या इसमें सामान्य मानवता है नहीं है क्या यह बड़े लाल अजगर की प्रकृति नहीं है बड़ा लाल अजगर तानाशाह और स्वेच्छाचारी है क्या इस तरह के भ्रष्ट स्वभाव वाले लोग बड़े लाल अजगर की संतान नहीं है अपने कर्तव्य को पर्याप्त रूप से निभाने के लिए चाहे तुमने कितने ही वर्ष परमेश्वर पर विश्वास किया हो तुमने अपने कर्तव्य के निर्वहन में कितना ही काम किया हो और चाहे तुमने परमेश्वर के घर में कितना ही योगदान दिया हो तुम अपने कार्य में कितने अनुभवी हो परमेश्वर मुख्यतः यह देखता है उस व्यक्ति ने किस मार्ग का अनुसरण किया है दूसरे शब्दों में वह किसी भी व्यक्ति के कार्यों के पीछे सत्य सिद्धांतों दिशा और मूल के प्रति उसका रवैया देखता है परमेश्वर इन बातों पर ध्यान देता है यही बातें तुम्हारे मार्ग का निर्धारण करती हैं तुम्हारे कर्तव्य निर्वहन की प्रक्रिया में यदि तुम्हारे अंदर ये सकारात्मक बातें बिल्कुल न दिखाई दें, और तुम्हारे कार्य के सिद्धांत मार्ग और आधार तुम्हारे ही विचार उद्देश्य और योजनाएं हों तुम्हारा सारा ध्यान अपने ही हितों की रक्षा करना अपनी प्रतिष्ठा और की रक्षा करना हो तुम्हारी कार्य प्रणाली निर्णय लेना अकेले काम करना और अपनी बात को ही सर्वोपरि मानना हो कभी दूसरों के साथ किसी चीज पर विचार विमर्श करना या सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहयोग न करना हो और गलती करने पर कभी सलाह न मानना हो सत्य की तलाश करने की तो बात ही छोड़ दो तो परमेश्वर तुम्हें कैसे देखेगा अगर तुम अपना कर्तव्य इस ढंग से निभाते हो तो तुम अभी तक उस मानक तक नहीं पहुंचे हो तुमने सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर कदम नहीं रखा है क्योंकि काम करते समय तुम सत्य के सिद्धांत की तलाश नहीं करते हमेशा अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हो जो चाहते हो वही करते हो यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से पालन क्यों नहीं कर पाते परमेश्वर के इन वचनों ने दिल को चीर दिया उन्होंने उजागर किया कि बड़े लाल अजगर की प्रकृति घमंडी अहंकारी और मनमानी करने की है ऐसे लोगों के अनुसरण का नजरिया और उनके चलने की राह परमेश्वर के विरुद्ध होती है कलीसिया ने मुझे अगवा बनाया था ना कि नौकर शाह उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी वे चाहते थे कि मैं परमेश्वर की इच्छा का पालन करूं कलीसिया का कार्य ठीक से करने के लिए सबके साथ मिलजुल कर काम करूं और अपना कर्तव्य निभाऊं। मगर इसके बजाय मैंने कलीसिया कार्य को अपना निजी कारोबार मान लिया जब मेरे काम के कुछ नतीजे आने लगे और प्रतिभाओं के चयन में थोड़ा अनुभव हुआ तो मुझे लगा कि मुझ में अच्छी काबिलियत थी मुझ में लोगों की अच्छी परख थी खास तौर से जब भाई बहन अपने सवाल लेकर मेरे पास आने लगे तो मैंने खुद को ऊंचे आसन पर बैठा लिया और मान लिया कि सत्य को मैं उनसे बेहतर समझती थी मैं उस ऊंचे आसन से उतर नहीं सकी और मान लिया कि कलीसिया कार्य की तरक्की मेरे ही कारण हुई थी सारे भाई बहन मुझसे हीन थे और उन्हें अपनी राय बताने का कोई हक नहीं था चर्चा योग्य हर काम में मेरी ही राय सबसे ऊपर होनी चाहिए थी तो जब भाई बहनों ने बताया कि मैं किस तरह अपने काम में भटक गई थी मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने ही ढंग से काम करती रही कभी कभी जब वे अलग राय देते तो विचार किए बिना ही मैं उन्हें ठुकरा देती मैं अड़ जाती कि वे मेरी योजना पर चलें। कभी कभी तो मैं सहकर्मियों से सलाह लिए बिना ही योजनाओं पर काम शुरू कर देती चूंकि मैं उसे चुनने पर अड़ गई थी जो किताबें रखने के लायक नहीं था और सहकर्मियों के चेताने पर भी मैंने उनकी नहीं सुनी थी इस कारण किताबों को नुकसान पहुंचा फिर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया कारण बताए बिना मैंने फैन को बर्खास्त कर दिया इससे वह चिढ़ गई और गलतियां ढूंढने लगी इससे कलिसिया जीवन में अराजकता फैल गई कर्तव्य में मैंने सत्य खोजने को आगे नहीं रखा सत्य की वास्तविकता में दूसरों को प्रवेश का रास्ता नहीं दिखाया इसके बजाय मैंने सिद्धांत तोड़ने में अगुवाई की सबको अपने आदेश मानने पर मजबूर किया उन्हें अलग राय नहीं देने दी हर चीज में अपनी ही बात मनवानी चाहिए क्या मैं तानाशाह की तरह काम नहीं कर रही थी मेरा काम करने का तरीका बड़े लाल अजगर से अलग कैसे था कलीसी अगवा के रूप में हमें सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहिए लेकिन मैंने उनकी अनदेखी की मनमानी की और हमेशा अपनी बात मनवानी चाहिए क्या मैं परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी नहीं हो रही थी मेरा हर कर्म मसीह विरोधी स्वभाव दर्शा रहा था अपने कर्मों पर आत्मचिंतन कर मैं समझ गई कि मेरा बर्ताव परमेश्वर के लिए घिनौना था अगर मैंने अपना बर्ताव नहीं सुधारा तो क्या मेरा भी अश मसीह विरोधियों जैसा नहीं होगा बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम यह अपनी मर्जी के बिना करोगे उदाहरण के लिए यदि तुम्हारा स्वभाव अहंकारी और दंभी है तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम खुद को रोक नहीं सकते यह तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करोगे तुम ऐसा अपनी अहंकारी और दम्भी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन करोगे तुम्हारे अहंकार और दम्भ के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसे देखोगे जैसे कि उसका कोई महत्व ही ना हो उनके कारण तुम खुद को ऊंचा उठाओगे निरंतर खुद का दिखावा करोगे वे तुम्हें दूसरों का तिरस्कार करने के लिए मजबूर करेंगे वे तुम्हारे दिल में तुम्हें छोड़कर और किसी को नहीं रहने देंगे वे तुम्हारे दिल से परमेश्वर का स्थान छीन लेंगे और अंततः तुम्हें परमेश्वर के स्थान पर बैठने और यह मांग करने के लिए मजबूर करेंगे और चाहेंगे कि लोग तुम्हें समर्पित हों तुमसे अपने ही विचारों ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर पूजा करवाएंगे लोग अपनी उद्दंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन इतनी बुराई करते हैं परमेश्वर के वचनों से मुझे समझ आया कि मेरी अपनी योजना पर चलने और मनमानी करने का मूल कारण मेरी प्रकृति का अहंकारी होना था मैं खुद को बहुत ऊंचा समझती थी मानती थी कि मैं दूसरों से बेहतर थी लोगों और हालात की बेहतर पारखी थी मेरे मन में किसी के लिए सम्मान नहीं था सहकर्मियों के साथ चर्चा में मैं हमेशा खुद को सही समझती और मुझसे सहमत ना होने वाला कोई भी हो मैं कभी नहीं सुनती थी घमंड और आत्मतुष्टता के कारण जब मैं कलीसिया में अराजकता का कारण बनी तो भी मैं झुकने को तैयार नहीं हुई इससे बस एक बार की गलती मानती रही किसी बहन के टोकने पर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि दूसरे बात का बतंगड़ बना रहे थे मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच घमंडी थी मेरी तर्कशक्ति कहाँ थी काम में मिले नतीजे और मेरे द्वारा किए गए अच्छे चयन परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसके वचनों के मुझ पर असर का नतीजा थे अगर मुझे परमेश्वर की प्रबुद्धता और सिद्धांत नहीं मिले होते तो मैं किसी काम में सक्षम नहीं होती फिर भी मैंने इसका सारा श्रेय ले लिया इन नतीजों को अपने घमंड और आत्मतुष्टि के लिए इस्तेमाल किया मैं बिल्कुल बेशर्म थी अगर अगवा ने मुझे सख्त रूप से उजागर कर बर्खास्त ना किया होता तो मैंने कभी आत्मचिंतन ना किया होता सिर्फ तब मैं जान सकी कि मेरा उजागर और बर्खास्त होना मेरी सुरक्षा का परमेश्वर का तरीका था वरना कौन जाने अपने घमंडी स्वभाव से मैंने ना जाने कौन सी दूसरी बुराई की होती इन सब का एहसास कर मैंने सचमुच शर्मिंदा महसूस किया और परमेश्वर से प्रार्थना की हे परमेश्वर मैं अब अपने घमंडी स्वभाव के साथ नहीं जीना चाहती ना ही मनमानी और लापरवाही से काम करना चाहती हूं अभ्यास का मार्ग पाने में मेरा मार्गदर्शन करो इसके बाद मैंने अपनी समस्या को लेकर खोजा तो मुझे ईश्वचनों का यह अंश मिला तब तुम अपने स्वेच्छाचार और अविवेक का समाधान कैसे करते हो उदाहरण के तौर पर मान लो तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है और तुम्हारे अपने विचार और योजनाएं हैं तो यह तय करने से पहले कि क्या करना है तुम्हें सत्य हो चाहिए और तुम्हें कम से कम इस बारे में तुम क्या सोचते हो और मानते हो इसके संबंध में सभी के साथ संगति करनी चाहिए और सभी से कहना चाहिए कि वे तुम्हें बताएं कि तुम्हारे विचार और योजनाएं सही और सत्य के अनुरूप हैं या नहीं और सभी से अंतिम बार जांच लेने को कहना चाहिए मनमानी और उतावलेपन का समाधान करने का यह सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले तुम अपने दृष्टिकोण पर रोशनी डाल सकते हो और सत्य को जानने की कोशिश कर सकते हो मनमानी और उतावलेपन का समाधान करने के लिए यह पहला कदम है जिसे तुम्हें अभ्यास में लाना चाहिए दूसरा कदम तब होता है जब दूसरे लोग अपनी असहमतियों को व्यक्त करते हैं ऐसे में स्वेच्छाचारी और अविवेकी होने से बचने के लिए तुम किस तरह का अभ्यास कर सकते हो पहले तुम्हारा रवैया विनम्र होना चाहिए जिसे तुम सही समझते हो उसे बगल में रख दो और हर किसी को संगति करने दो भले ही तुम अपने तरीके को सही मानो तुम्हें उस पर जोर नहीं देते रहना चाहिए यह एक तरह की प्रगति है यह सत्य की खोज करने स्वयं को नकारने और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है जैसे ही तुम्हारे भीतर यह प्रवृत्ति पैदा होती है उस समय तुम अपनी धारणा से चिपके नहीं रहते तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से सत्य जानना चाहिए और फिर परमेश्वर के वचनों में आधार ढूंढना चाहिए परमेश्वर के वचनों के आधार पर तय करो कि काम कैसे करना है यही सबसे उपयुक्त और सटीक अभ्यास है जब लोग सत्य की तलाश करते हैं और सभी के लिए एक साथ संगति करने हेतु कोई समस्या रखते हैं और उसका उत्तर ढूंढते हैं तो ऐसा तब होता है जब पवित्र आत्मा प्रबुद्धता प्रदान करता है परमेश्वर लोगों को सिद्धांत के अनुसार प्रबुद्ध करता है वह तुम्हारे रवैये का जायज़ा लेता है अगर तुम हठपूर्वक अपनी बात पर अड़े रहते हो फिर चाहे तुम्हारा दृष्टिकोण सही हो या गलत तो परमेश्वर तुमसे अपना मुंह छिपा लेगा और तुम्हारी उपेक्षा करेगा वह तुम्हें दीवार से टकराने देगा तुम्हें उजागर करेगा और तुम्हारी बदसूरत हालत जाहिर करेगा दूसरी ओर यदि तुम्हारा रवैया सही है अपने तरीके पर अड़े रहने वाला नहीं है न ही वह दम्भी मनमाना और अंधाधुंध रवैया है बल्कि सत्य की खोज और उसे स्वीकार करने का रवैया है अगर तुम इसकी सभी के साथ संगति करते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच कार्य आरंभ करेगा और संभवतः वो तुम्हें किसी के वचनों के माध्यम से समझ की ओर ले जाएगा कभी कभी जब पवित्र आत्मा तुम्हें प्रबुद्ध करता है तो वह सिर्फ कुछ शब्दों या वाक्यांशों में ही या तुम्हें समझ देकर मामले की तह तक ले जाता है तुम एक ही क्षण में समझ जाते हो कि जिस बात से तुम चिपके रहे हो वह गलत है और उसी क्षण तुम यह भी समझ जाते हो कि इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है इस स्तर तक पहुंचने के बाद क्या तुम बुराई करने और गलती का परिणाम भुगतने से सफलतापूर्वक बच जाते हो इस तरह की चीज को कैसे हासिल किया जाता है वह तभी प्राप्त होती है जब तुम्हारे पास परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय होता है और जब तुम आज्ञाकारी हृदय से सत्य की खोज करते हो जब तुम पवित्र आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो और अभ्यास के सिद्धांत निर्धारित कर लेते हो तो तुम्हारा अभ्यास सत्य के अनुरूप होगा और तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सक्षम हो जाओगे परमेश्वर के वचनों ने अभ्यास का मार्ग दिखाया आत्मतुष्टि और लापरवाही से छुटकारे के लिए सबसे जरूरी बात परमेश्वर से डरने वाला दिल सत्य खोजी रवैया रखना और दूसरों के साथ मिलजुल कर सहयोग करना है समस्याओं के हल के लिए दूसरों से चर्चा कर सहमति बनानी चाहिए अगर दूसरे अलग राय दें तो हमें झुकना चाहिए और दूसरों के साथ मिलकर सत्य और सिद्धांत खोजना चाहिए कोई भी पूर्ण नहीं है कलिसिया की कोई भी परियोजना एक अकेला इंसान पूरा नहीं कर सकता सही ढंग से करने के लिए सबको सहयोग और चर्चा की जरूरत होती है इस नाकामी ने मुझे सही मायनों में यह समझाया कि अपने कर्तव्य में सत्य को खोजना और सिद्धांत के अनुसार काम करना कितना अहम है इस तरह काम करने से मैं रुकावट और बाधा डालने से बच सकूंगी अगर कोई घमंडी आत्मतुष्ट और मनमाना हो तो कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो अच्छे नतीजे हासिल नहीं कर सकता और कलिसिया कार्य में रुकावटें ही डालता रहेगा कुछ समय बाद जब भाई बहनों ने देखा कि मैं प्रायश्चित कर काम करते वक्त थोड़ा बदल चुकी थी तो फिर मुझे कलीसिया अगुआ बना दिया यह सोचकर कि अपने कर्तव्य में मैं कैसे हमेशा अपनी मनवाती थी जो दूसरों के लिए बहुत हानिकर था और इससे मुझे बहुत पछतावा हुआ था मैंने परमेश्वर से वादा किया मैं मनमानी और दूसरों को समर्पण के लिए मजबूर नहीं करूंगी दूसरों के साथ मिलजुल कर सहयोग करूंगी एक बार सहकर्मियों के साथ एक कलीसिया के सिंचन कार्य पर चर्चा करते समय मुझे लगा कि वांगचैन अपने काम में जिम्मेदार और प्रतिभाशाली थी उसे सिंचन का बनाया जा सकता था लेकिन दोनों सहयोगी सहमत नहीं थे उन्हें लगा कि जिम्मेदार और प्रतिभाशाली कार्यकर्ता होने के बावजूद वांगचैन का जीवन अनुभव ज्यादा नहीं था और वह सत्य के सिद्धांत नहीं खोजती थी इसलिए वह सिंचन कार्य की देखरेख के लिए ठीक नहीं थी यह सुनकर मेरे भीतर गुस्सा उफरने लगा यहां अगवा मैं हूं क्या आप सब मुझसे बेहतर पारखी हैं जैसे ही मैं अपना नजरिया रखने को थी एकाएक मुझे एहसास हुआ कि एक बार फिर मैं अपना घमंडी स्वभाव दिखा रही थी अपनी पुरानी नाकामी को याद कर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की विनम्रता से सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ने में मदद की विनती की प्रार्थना के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर हमने सिंचन पद के लिए गलत व्यक्ति को चुन लिया तो इससे भाई बहनों के जीवन प्रवेश को बहुत नुकसान होगा इसलिए सावधानी से आगे बढ़ना होगा इसके बाद मैंने दूसरों के साथ मिलकर लोगों को तरक्की देने के सिद्धांत खोजे और बहन वांगचैन के साथ संगति कर जाना कि उसपे जीवन के अनुभव की सच में कमी थी मसले आने पर वह आत्मचिंतन कर खुद को नहीं जानती थी और सिंचन कार्य के लायक नहीं थी आखिरकार मैं दूसरों की राय से सहमत हो गई इस तरह अभ्यास कर मुझे बहुत सुकून मिला मनमानी करने के नतीजे सहने के अपने पिछले अनुभव को याद कर मुझे बहुत भावनात्मक पीड़ा पछतावा और घृणा महसूस हुई इसने मुझे अपने घमंडी स्वभाव को पहचानने का मौका दिया यह एहसास कराया कि सिर्फ अपने विचारों के भरोसे नहीं चलना चाहिए मुझे परमेश्वर के इरादों को खोज सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहिए इसी से मुझे परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा मैं राह नहीं भटकूंगी परमेश्वर का धन्यवाद